नमस्कार, मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। एक बड़े दिनों से एक लोगों के मन में एक शंका थी, काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी कि जो शिव यात्रा है, कांवड़ यात्रा यानी कि भोलेनाथ का जो दिन होते हैं शिवरात्रि का, कांवड़ लेने के लिए आई साल लोग भारत के हर कोने से जाते हैं हरिद्वार में। उसके चलते हुए लोगों को एक शंका थी कि कहीं ये कांवड़ यात्रा को रद्द तो नहीं कर दिया जाएगा। बाद में जब प्रशासन को डॉक्टरों की तरफ से एक अंदेशा था कि जो तीसरी लहर कोरोना की दूसरी लहर में अगर इतनी हाहाकार मचाई थी, कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया कि कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया जाएगा। और उत्तराखंड प्रशासन ने यह फैसला लिया था कि कांवड़ यात्रा को रद्द नहीं करते, कुछ ढिलाई बरतते हैं और साथ ही साथ जितने भी कोरोना की प्रोटोकॉल है, जितनी भी गाइडलाइन है, उसको जारी रखते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा इस महीने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड प्रशासन को फटकार भी लगाई थी कि जो कोरोना काल इतने हाहाकार मचा चुका है, उसके चलते हुए लोगों का एक मानना भी तीसरी लहर भी आएगी, उसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये तुरंत प्रभाव से यह कहा कि कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया जाए। और साथ ही साथ अगर मैं हिसार की बात करूँ तो हिसार के DIG बलवान सिंह राणा जी ने यह सख्त आदेश दिए कि हिसार से कोई भी कांवड़ लेने के लिए नहीं जाएगा। तीसरी लहर कोरोना की देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए यह फैसला लिया है प्रशासन ने। और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना गाइडलाइन को तोड़ेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह हिसार के DIG बलवान सिंह राणा जी ने एक बयान दिया है। और साथ ही साथ हम भी आम जनता से, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जितने भी नए लोग जुड़ने वाले हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं आप अपना घर पर रहें, सेफ रहें और आसपास जो भी आपके मंदिर हो वहां पर जाकर आप जल चढ़ाएं, शिव जी का नाम लें और पूजा पाठ करें इस बार, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है, कहीं ना कहीं डॉक्टरों का अंदेशा है कि जो तीसरी लहर आ सकती है, उस तीसरी लहर के चलते हुए अंदेशा अनुसार प्रशासन ने सख्त फैसला लिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त से सख्त आदेश दिए कि कोई भी कोरोना काल की इन गाइडलाइनों को नहीं तोड़ेगा। जो व्यक्ति इस कोरोना गाइडलाइन को तोड़ेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आरएसएन एक्सप्रेस के पूरी की पूरी टीम, आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से मैं चिराग शर्मा आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने घर पर रहें, आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं, पूजा आराधना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टरों का अंदेशा है, डॉक्टरों का अंदेशा भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज है। अगर बात की जाए पिछले साल की, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था उसके चलते हुए, कोरोना जो 2020 में स्टार्ट हुआ था तब इतनी मौतें नहीं हुई थी, जो दूसरी लहर आई उसके बाद उसमें काफ़ी हाहाकार मचा, कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके थे कोरोना के चलते हुए। इसके लिए आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर पर शिव आराधना करें, शिव जी की पूजा करें, आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश आए कि कोई भी इस बार कांवड़ लेने नहीं जाएगा, जो कांवड़ का आयोजन आई साल होता है उसे रद्द कर दिया गया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रशासन ने भी यह फैसला लिया है कि इस बार कोई भी शिव यात्रा का जो प्रोग्राम समागम किया जाता है हरिद्वार में, इस बार कोई भी नहीं होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सेफ रहें, सतर्क रहें। और साथ ही साथ मैं अगली खबर के साथ फिर जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप बने रहें आरएसएन एक्सप्रेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।